बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 6। सो स्टूडेंट्स टुडे इन मैथमेटिक्स सब्जेक्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट परसेंटेज इन स्टैंडर्ड 6। सो आई एम अतिकुर रहमान विदी से टीचर। आई वेरी वेलकम यू ऑल स्टूडेंट्स टू टुडेज लेसन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वील लर्न अबाउट द परसेंटेज एंड दे आफ्टर विल डू द प्रैक्टिस सेट 30। तो बच्चों आज के सेशन में हम फीसदी के बारे में मालूम हासिल करेंगे और साथ ही जो है तो प्रैक्टिस सेट जो हमारा 30 है उसे भी यहाँ पर हल करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि फीसदी क्या है। ओके, व्हाट इज़ द परसेंटेज। सो इन योर डेली लाइफ यू ऑब्जर्व सो मैनी थिंग्स where you will see the percentage. The basically one thing you will observe in your day-to-day life is a mobile. Okay, and while you are charging your phone, you will see the battery up to how percent is the battery is remaining. If the battery is very less there, then you are supposed to you are going to charge that battery. And if the battery charging level is reach up to 100%, then you will you just try to pin out that mobile. Okay, जब कभी आपको बाहर जाना रहता है या आप ऑब्जर्व करते हैं कि आपके मोबाइल को चार्ज करना है तो आप देखते हैं कि आपके पास आपके मोबाइल में कितने परसेंट बैटरी है ना। ये आप हमेशा ऑब्जर्व करते रहते हो आपकी डेली लाइफ में। इसके अलावा हम जो है तो अक्सर से जो है तो सेल देखते हैं अपने आस पास में, है ना। तो वह सेल में भी लिखा रहता है 50% ऑफ। इस तरह से आप हमेशा अपने आसपास की ज़िंदगी में ये सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते रहते हैं, है ना। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं व्हाट इज़ द परसेंटेज। परसेंटेज के मानी क्या है, फीसदी यानी क्या। सो द वर्ड सेंट मीन्स 100। यहाँ पर लफ्ज़ जो सेंट है ना, यानी सद जिसे कहते हैं हम, उसके मानी 100 के हैं। क्या है उसके मानी, 100 मीन्स 100 के उसके मानी हैं। आप देखते हैं ना सेंचुरी, सेंट से सेंचुरी आप देखते हैं ना। आप अक्सर से देखते हैं कि भाई विराट कोहली ने जो है तो सेंचुरी मारी है, सेंचुरी बनाई है, सरस से आप देखते हैं। तो इसी तरह से हम यहाँ पर जो है तो देख रहे हैं वर्ड सेंट, है ना। तो सेंट मीन्स 100, द वर्ड सेंट मीन्स 100। सो पर सेंट मीन्स पर 100। ओके, तो इसका मतलब हुआ कि फी सदी का मतलब क्या हुआ, फी सैकड़ा या हर 100 पर। ओके, ये बात हमें यहाँ पर याद रखना है, पर 100 यानी हर 100 पर, इस तरह से। ठीक है, द साइन फॉर परसेंटेज इज लाइक दिस। ठीक है, जो साइन आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है परसेंटेज के लिए वो इस तरह का होता है। ओके, ये हमें यहाँ पर याद रखना है कि फीसदी की जो अलामत है वो किस तरह की है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस तरह से जो है तो फीसदी की अलामत है। ओके, ये हमें याद रखना है कि इस अलामत का इस्तेमाल किया जाता है आमतौर पर फीसदी के लिए, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ये बैटरी कितने परसेंट चार्ज है। समवन विल आस्क यू दैट टेल मी हाउ मच दिस बैटरी इज चार्ज, देन यू विल से दैट दिस बैटरी इज 55% चार्ज। हियर इज द, हियर यू विल सी द साइन ऑफ परसेंटेज। ओके, सो नाउ वी जस्ट ट्राई टू लर्न हियर दैट के फीसदी की मालूमात जो है तो कसर की सूरत में हम किस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, यानी कि कुल अगर हम देख रहे हैं 50%, यानी 100 में से 50, यानी हिस्सा कितना हुआ,
अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कुल 25% यानी 100 में से 25 हिस्सा यानी कितना हुआ, इसी तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कुल 35% यानी 100 में से 35 हिस्सा, ठीक है, यानी क्या हुआ, तो हम देखते हैं यहाँ पर कि 50/100 इज इक्वल टू 1/2, इसका मतलब इस तरह से होता है, ठीक है। कसर में अगर हम देख रहे हैं इसे, तो फीसद में देख रहे हैं हम, तो 50% देख रहे हैं इसको, है ना। जब हम यहाँ पर देख रहे हैं कसर में, तो 50/100 यानी कि 1/2 इस तरह से, यानी अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर कि कुल 25% यानी 100 में से अगर 25 हिस्सा यानी कितना हो गया वो, यानी 25/100 यानी कि 1/4 इस तरह से, 100 में से 25 इस तरह से, ठीक है। तो ये हम ऑब्जर्व करते हैं अक्सर। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर बात करेंगे इसके बारे में यहाँ पर, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 35% यानी 100 में से 35 हिस्सा यानी कि 35/100 इज इक्वल टू 7/20। अगर हम इसको मुख्तसर करते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये 5 से तकसीम पजीर है ना, तो आप देखेंगे यहाँ पर 5 से अगर तकसीम करते हैं इसे, तो 5 से तब 35 होता है, और 520 अगर करते हैं यानी 5 2 10 और 0 का 0 यानी 7/20 हमें यहाँ पर इस तरह से मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देखते हैं यहाँ पर कि जो फीसदी की मालूमात है कसर की सूरत में, उसे यहाँ पर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम और देख लेते हैं इसे, तो ये पार्ट हम आपको उर्दू में भी बता रहे हैं और इंग्लिश में भी समझाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किसी चीज़ का अगर 3/4 हिस्सा यानी कि 75/100 यानी 75% होता है, ठीक है। इसी तरह से देखते हैं हम कि किसी चीज़ का 2/5 हिस्सा, ठीक है, 2/5 हिस्सा यानी कि 40/100 यानी 40% होता है, ठीक है। ये बात हमें यहाँ पर याद रखना है। अब इससे हम यहाँ पर देखते हैं कि किसी चीज़ का 3/4 हिस्सा यानी कि 3/4 इज इक्वल टू 3 × 25, ओके, मीन्स 75 हो गया, ठीक है, और 4 × 25 मीन्स कितना हो गया, 100 हो गया, ठीक है। सो यू विल गेट दैट 75/100 मीन्स कितना मिलेगा हमें यहाँ पर, 75% इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से हम देखते हैं कि किसी चीज़ का 2/5 हिस्सा यानी कि 40/100 यानी कि 40%, तो इसे हम यहाँ पर देखते हैं कि किसी चीज़ का 2/5 हिस्सा यानी कि 2/5 फिजिकल टू 2 × 20, सो 2 × 20 मीन्स 40 एंड 5 × 20 मीन्स 100, ओके, सो 40/100 मीन्स 40%, ओके, इसका मतलब हुआ 40%, इस तरह से, ठीक है, जैसे हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं इस तरह से, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस तरह से इसे समझ रहे हैं कि कसर की सूरत में मालूमात की फ़ीसद में तहवील किस तरह से होती है, उसे हम यहाँ पर समझ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं, इसे हम यहाँ पर देख लेते हैं कि परसेंटेज इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन यानी फ़ीसद की जो मालूमात है उसे हम यहाँ पर कसर की सूरत में देख रहे हैं। परसेंट इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन, फ़ीसदी की कसर में हम यहाँ पर जो है तो फ़ीसद कसर की सूरत में यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो इसमें देखेंगे आपके जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल देख रहे हैं कि 48% मीन्स 48 पार्ट्स ऑफ टोटल ऑफ 100 पार्ट्स, ओके, सो 48 आउट ऑफ 100 मीन्स 48/100 इज इक्वल टू 12/25 पार्ट्स, ओके। अगर हम यहाँ पर इफ़ वी विल इसे यहाँ पर अगर हमने सॉल्व किया, अगर हमने यहाँ पर इसको मुख्तसर किया, तो आप देखेंगे यहाँ पर 4 × 4 = 8 मिलेगा, 4 × 2 = 8 और 4 × 5 = 20 मीन्स 12/25, ओके। सो
here's another example. 25% means 25 parts of total of 100 parts. Okay, so 25 out of 100 means 25 upon 100 is equal to 1 upon 4 parts. Okay, like this. So you can observe this, that this parts, it is called a quarter part, means 1 upon 4 part, it is called a quarter part. Okay, now we'll see there, here the fraction in the form of percentage. ठीक है, फीसद की कसर में हम यहाँ पर जो है तो कसर फीसद की सूरत में यहाँ पर हम देख रहे हैं. ठीक है, क्या देख रहे हैं? कसर फीसद की सूरत में. सो 9 अपॉन 25 इज इक्वल टू 9 इंटू 4 अपॉन 25 इंटू 4 इज इक्वल टू 36 अपॉन 100. ओके, 9 इंटू 4 मीन्स 36 एंड 25 इंटू 4 मीन्स 100. ओके, सो यू सी हियर दैट 9 अपॉन 25 पार्ट्स ऑफ द टोटल दैट इज 36 अपॉन 100 और 36%, like this. Okay, so and then next example, 140 upon 200 means 140 is divided by 2 upon 200 is divided by 200. 200 is divided by 2 means you will get that 2 ones are 2, 2 sevens are 14, or 2 ones are 2, or 2 tens are 20. Okay, so you will get here that 70 upon 100, that is 70%. Okay, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो है तो यहाँ पर 140 बटे 200 यानी कि कितना मिलेगा हमें यहाँ पर 70% मिलेगा. ओके, तो यहाँ पर बच्चों खासतौर पर आपको याद रखना है कि नसब नुमा 100 करने के लिए हम कीमत कसरों का इस्तेमाल करते हैं. ओके, ये बात आपको याद रखना है. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैन बी यूज्ड टू मेक द डिनोमिनेटर 100. ओके, ये बात आपको याद रखना है. चलिए अब यहाँ पर हम यहाँ पर 30 जो हमारा मशकी सेट है उसे यहाँ पर सॉल्व करते हैं. ओके, सो विल मूव फॉर द प्रैक्टिस सेट एंड दैट इज 30. ओके, सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन दैट शबाना स्कोर्ड 736 मार्क्स आउट ऑफ 800 इन हर एग्जाम्स. व्हाट परसेंटेज ऑफ द मार्क्स डिड शी स्कोर. यहाँ पर अगर आप देखें तो एक इम्तिहान में शबाना को 800 में से 736 नंबर मिले हैं, तो बताइए उसे कितने फीसदी नंबर मिले हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें सबसे पहले अज्यूम करना होगा, फर्स्ट करना होगा कि शबाना को जो है तो एक्स मार्क्स मिले हैं. ओके, सो लेट्स शबाना स्कोर्ड एक्स पर्सन of the marks. Okay, so then you see here that x upon hundred is equal to 736 upon 800. So what we have to do here, multiplying both the side by 100. यहाँ पर हमें जो है तो तरफैन को 100 से ज़रब करने पर कैसा स्टेप मिलेगा. सो यू विल सी हियर दैट दिस एक्स अपॉन 100 इज डिवाइड इज मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 736 अपॉन 800 इज मल्टीप्लाइड बाय 100. ओके, सो द मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय 100. सो नाउ यू सी हियर दैट दिस विल be cancel here, this 100 and this 100, and you see that this 0 will be the cancel, and finally you will see here that 7 8
1's 8 here and 8, 9's 72. Okay, and then you will see that 1 will be remaining here. So 8 to the 16. So this will be the 92. So you see that x is equal to 92 will be the answer here. Okay, so finally you will see that Shabana scored 92% marks all over. Okay, so like this we are supposed to make out the percentage of any question by this way. This is a simple way to find out the percentage. Okay, now we'll move for the next question, and that is on your screen. So yahan par aap dekh sakte hain Dahi Handi गांव की स्कूल में 500 तलबा है, इनमें से 350 तलबा को तैरना आता है, तो बताइए कितने फीसदी तलबा को तैरना आता है और कितने फीसदी तलबा को तैरना नहीं आता है. देयर आर 500 स्टूडेंट्स इन द स्कूल इन दही हांडा विलेज. इफ 350 ऑफ देम कैन स्विम, व्हाट परसेंट ऑफ देम कैन स्विम, व्हाट परसेंट कैन नॉट. सो दिस इज अ क्वेश्चन. So first of all, we have to assume here that let's x percent of student can swim here. Okay, so you will see here that x upon 100 is equal to 350 upon 500. Okay, so you will see here that the total number of students are 500 and 350 out of them knew about the swim. Okay, so how is the percentage here? So x upon 100 we have taken here. So you see here that multiplying the both side by 100, so you see here that x upon 100, okay, into 100 is equal to 350 upon 500. So you see that this 100 and this 100 will cancel, this 20 and this 20 are cancelled, and see here 1 5 7 35 and 0 is here. So you will see here that the percentage of the students can swim as 70%. Okay, so you see that x is equal to, or a is equal to, whatever you assume is that, so x is equal to 70. Okay, so the 70% of students can swim. Okay, the remaining 100 minus 70%, okay, students cannot swim. Okay, means 30% students cannot swim, this means. Okay, means 70% students can swim as you are looking on screen, but the 30% students cannot swim. Okay, so like this, the 70% of students can swim and 30% of the students cannot swim, like this. Now you are looking at the next question on your screen, and in this question you say if Prakash solved Jawar on 75% of the 19,500 square meter of his land, on how many square meter did he actually plant Jawar? Okay, so you see here that इसे हम यहाँ पर समझ लेते हैं और इस सवाल को कि प्रकाश ने जो है तो खेत की 19,500 मुरब्बा मीटर ज़मीन में से 75% ज़मीन में जवार बोई है, तो बताइए इसने कितने मुरब्बा मीटर ज़मीन में जवार बोई है. ओके, यहाँ पर ये सवाल है इस तरह से. तो हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या करना होगा, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि सबसे पहले हमें यहाँ पर अज्यूम करना होगा. ओके, सो प्रकाश सोव्ड
जवार ऑन एक्स स्क्वायर मीटर ऑफ हिज लैंड। ओके, हमने यहाँ पर क्या फर्ज किया है कि प्रकाश ने जो है तो एक्स मुरब्बा मीटर ज़मीन पर जवार बोई है। ओके, तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा जो स्टेप होगा वो किस तरह से बनेगा। सो एक्स अपॉन 19,500 इज इक्वल टू 75/100। ओके, तो यहाँ पर परसेंटेज दिया हुआ है। ओके, सो वी हैव टेकन इज 75/100 लाइक दिस। ओके, सो अब यहाँ पर हमें क्या देखना है, एक्स हमने क्या अज्यूम किया है यहाँ पर स्क्वायर मीटर ऑफ इज लैंड। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय 19,500 हमें यहाँ पर करना होगा। सो द स्टेप विल बी लाइक दिस, 19,500 एक्स अपॉन 19,500 इंटू 19,500 इज इक्वल टू 75/100 इंटू 19,500। ओके, सो दिस एंड दिस विल बी कैंसिल हियर। ओके, यू सी दैट दिस जीरो एंड दिस बोथ जीरो विल बी कैंसिल फ्रॉम हियर एंड 75 into 95, if we will do here 75 into 90 195, so the answer will be here 14,625. So you see here that Prakash solved Jawar on 14.625 square meter of his land. Okay, like this will be the answer here. Okay, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर point लगा दिया है. Okay, याद रखिए इसे. और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4 है स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इसमें देखेंगे आपके मज़हर को इसकी सालगिरह के दिन 40 मैसेज आए हैं, इनमें से 90 मैसेज सालगिरह की मुबारक देने वाले थे, तो बताइए इसको सालगिरह की मुबारकबाद के अलावा कितने मैसेज आए हैं। सो हम रिसीव्ड 40 मैसेजेस ऑन हिज बर्थडे, of these 90% of were birthday greetings, how many other messages did he get beside the greetings? ठीक है, यहाँ पर हम जो है तो इसे समझते हैं आगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले क्या assume करना है हमें, यहाँ पर हमें यहाँ पर assume करना है कि suppose so हम received x messages for birthday greetings, यानी कि हमने यहाँ पर फर्ज किया है कि सो हमने जो है तो एक्स यहाँ पर जो है तो सो हमने सो हमको जो है तो सालगिरह की मुबारकबाद के लिए एक्स मैसेजेस आए, इसका मतलब ये है। ठीक है, सो आप देखेंगे यहाँ पर स्टेप हमारा किस तरह से बनेगा, एक्स अपॉन 40 इज इक्वल टू 90/100। इट मीन्स अगर हमने यहाँ पर जो है तो तरफेन को 40 से ज़रब किया तो आप देखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय 40, सो यू सी हेयर द एक्स अपॉन 40 इनटू 40 इज इक्वल टू 90/100 इनटू 40। ओके, सो यू सी हेयर दैट दिस 40 एंड दिस 40 विल कैंसिल, दिस जीरो एंड दिस जीरो विल कैंसिल एंड फाइनली this 0 and this 0 will cancel and 9 fours 36 here, so x is equal to 36, so 40 minus 36 is equal to 4. Okay, so you will see that Soham received 4 messages for birthday greetings. ठीक है, हम यहाँ पर देखेंगे कि सोहम को जो है तो सालगिरह की मुबारकबाद के अलावा जो मैसेजेस आए हैं वो कितने हैं, 4 मैसेजेस हैं। ओके, यहाँ पर हमें इसे याद रखना है इस तरह से कि सोहम को जो है तो 4 मैसेजेस अलग आए हैं। ठीक है,
ये बात हमें यहाँ पर याद रखते हैं। ओके, अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं। इसमें देख रहे हैं हम कि एक गांव के 5675 बाशिंदों में से 5448 बाशिंदे तालीम याफ्ता है, तो बताइए कि तालीम याफ्ता बाशिंदों का फ़ीसद कितना है। ओके, ऑफ द 5675 पीपल इन विलेज 5448 आर लिटरेट, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ लिटरेसी इन द विलेज। ओके, तो यहाँ पर हमें देखना है कि एक गांव के 5675 बाशिंदों में से 5448 बाशिंदे तालीम याफ्ता है, तो बताइए कि तालीम याफ्ता बाशिंदों का फ़ीसद क्या है। ठीक है, यहाँ पर हम सबसे पहले अज्यूम करते हैं लेट द परसेंटेज ऑफ लिटरेसी ऑफ द विलेज बी एक्स। ओके, फर्स्ट किया हमने यहाँ पर कि तालीम याफ्ता बाशिंदों का फ़ीसद एक्स है। सो एक्स अपॉन 100 इज इक्वल टू 5448 अपॉन 5675। ओके, सो यू सी हेयर दैट इन दिस स्टेप यू सी दैट मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय 100, सो यू सी हेयर दैट द स्टेप इज ऑन योर स्क्रीन दैट यहाँ पर आपको याद होगा कि मसावात को बैलेंस करना हमने सीखा था। ओके, द सेम प्रोसीजर इज द सेम मैथड इज यूजिंग हेयर एंड दिस इन ऑल दीज क्वेश्चंस। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे 100 और ये 100 कैंसिल हो गया है। ठीक है, इसे हम जब मुख्तसर करेंगे यहाँ पर तो आप देखेंगे कि इसको मुख्तसर करने के बाद हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा यहाँ पर 96। ओके, सो एक्स इज इक्वल टू 96, सो लेट द परसेंटेज ऑफ द लिटरेसी ऑफ द विलेज बी 96%। ओके, सो लाइक दिस विल गेट द आंसर हियर एंड on the last question of this exercise you will see here that yahan par sawal kya diya hua hai ki ek election mein people gaon ki 1200 khawateen mein se 1080 khawateen ne raaye dahi kiya जबकि वड़गांव की 1700 ख्वातीन में से 1360 ख्वातीन ने रायदेही की है, तो बताइए किस गांव में रायदेही करने वाली ख्वातीन की नस्बत ज़्यादा है। ओके, तो यहां पर आप देखेंगे कि इन द इलेक्शन 1080 ऑफ द 1200 वुमन्स इन जंबलगांव कास्ट देयर वोट वाइल 1360 of the 1700 in Wadgaon cast theirs. In which village did greater proportion of women cast their votes? यहाँ पर हमें बताना है कि किस गांव में रायदेही करने वाली ख्वातीन की नस्बत ज्यादा है। ओके, इन विच विलेज डिड अ ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन्स कास्ट देयर वोट्स। So first of all we have to see here about the Jambulgaon that we assume here that let x percent woman in Jambulgaon cast their votes. So you will see here that x upon 100 is equal to 1080. Okay, you see here that this total woman's vote are 1200 and among it 1080 woman's vote cast their votes. So you see here that x upon 100 is equal to 1080 upon 1200. So what suppose we have to do in the next step? So you know, I think so. That multiplying the both sides by hundreds. Okay, so this on this step you know that this will cancel and finally we'll get here 12 ones 12 and you see here that
finally you will get the answer here. Directly we'll do it, so you'll get the answer here like this. Okay, so you see here that x is equal to 12 upon 1080 upon 12, means you will see here that finally we get the answer 90 here. Okay, so yahan par hum dekhte hain 12 nines 108 hota hai na, and 0 is 0 here. So you will see here the final answer we are getting here 90. So here x is greater than y, it means. Okay, now let's the y women in Wadgaon cast their votes. So you see here that the women who cast their vote in Wadgaon mein, hum dekhenge ki khawatin ne raaye dahi jo ki hai use hum yahan par dekhte hain. To y upon 100 is equal to 1360. So you see here that this 1360 women of out of 1700 women voted there, cast their vote there. Okay, so you see here in the next step, y upon 100 into 100 is equal to 1360 upon 1700 into 100, and you see here that this will cancel. And finally you will get there in this step, multiplying the both side by 100. So you see that 1360 upon 17, and finally you will get that y is equal to 80. Okay, so the woman from Jambalgaon cast a greater proportion of votes, it means. Okay, the woman from Jambalgaon village cast a greater proportion of votes. Okay, so remember one thing, when we have to compare different numbers in two groups, we have to compare them by finding out the percentage of each group. Okay, so to bachcho is video ko like kare, subscribe kare, और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको, तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है. सो लाइक दिस वी कैन डू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस बाय दिस मेथड. सो होप स्टूडेंट्स दैट यू विल अंडरस्टैंड ऑल द क्वेश्चंस व्हिच वी ऑलरेडी सॉल्व हियर. कुछ उम्मीद है हमने जो सवाल यहाँ पर हल किए हैं उसे आपने ज़रूर से समझा होगा. ठीक है, सेशन के बाद आप इन तमाम सवालात की प्रैक्टिस अपने तौर पर करिए. ठीक है, कोशिश कीजिए. अस्सलाम वालेकुम.